हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम सी की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे चैप्टर फोर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में जिसमें हमारे सेक्शन 36 से लेकर 40 तक कवर होंगे तो इस चैप्टर को हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे जो बेरेक्ट लैंग्वेज है वो सफिशियंट है मेन्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कोई क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है मेन्स में नहीं पूछा जाएगा वैसे तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बेरेक्ट लैंग्वेज इज सफिशियट है तो इस चैप्टर पर आते हैं बिना किसी देरी के तो ये जो चैप्टर है चैप्टर फोर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ए जो पार्ट है वो कह रहा है कि पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस के बारे में एंड बी जो पार्ट है वो कह रहा है ए टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस के बारे में तो पहले ए पार्ट पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस जिसमें सेक्शन 36 दिया गया एंड इसकी हेडिंग यही है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस सही सेक्शन कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन वो पुलिस ऑफिसर्स जो सुपीरियर हैं उस पुलिस ऑफिसर से जो किसी स्टेशन के चार्ज में किसी पुलिस स्टेशन के जो चार्ज में पुलिस ऑफिसर है ना पुलिस स्टेशन के चार्ज में कौन पुलिस ऑफिसर होता है उसको कहा जाता है एस स्टेशन हाउस ऑफिसर तो एस जो होता है जनरली एस कौन होता है जो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जनरली जो पर्सन होता है वो एस बनता है सब इंस्पेक्टर से जो नीचे पोस्ट होती है जैसे कि ए है वो कभी भी एस नहीं बन सकता तो मिनिमम जो पोस्ट यहाँ पर सब इंस्पेक्टर चाहिए होती है सही चाहिए होती है जनरली हम कहें तो इंस्पेक्टर ही जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर अपॉइंट होता है तो इस सेक्शन 36 सिक्स कह रहा है जो एस है उस एस के जो सुपीरियर रैंक के ऑफिसर्स हैं अब एस से सुपीरियर ऑफिसर्स कौन से होते हैं एस से ऊपर हो सकते हैं डी एस पी एस पी एस एस पी ए सी पी तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं मे एक्सरसाइज द सेम पावर थ्रू आउट दी लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाई सर विद इन द लिमिट ऑफ स्टेशन तो वो जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं वो सभी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि एस एच ओ एक्सरसाइज करता है उसके स्टेशन की लिमिट्स में मतलब हम एक और तरीके से इसको समझें तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें दस पुलिस स्टेशन है अब दस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होंगे वो ऑफिसर कौन होगा वो एस एच ओ होगा स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा यहाँ पर दस पुलिस स्टेशन हैं एक डिस्ट्रिक्ट में दस ही एस होंगे जो उस पुलिस स्टेशन के चार्ज में होंगे तो इन एस से जो सुपीरियर रैंक के ऑफिसर हैं जो डी है एस है फिर एस है ए है हम यहाँ पर एस को सोच लें सुपरिनटेंट ऑफ पुलिस तो वो जो एस है ना वो उन दस के दस एस की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जो उसके स्टेशन के लिमिट में जो पावर एक्सरसाइज करता है ना पहला जो पुलिस स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक उसकी लिमिट है दूसरा जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन है उसकी पर्टिकुलर एरिया तक लिमिट है तो यूं करके दस पुलिस स्टेशन है यूं ही दस एस एच ओ होंगे उन दस एस एच ओ की जो भी लोकल लिमिट्स हैं जो भी एरिया है जिसमें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर्स वही सेम पावर वही सेम तरीके से जो उसके सुपीरियर ऑफिसर हैं वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पावर है कोई इंक्वायरी से रिलेटेड पावर है जो एस एच ओ एक्सरसाइज कर सकता है वही सेम पावर वही सेम तरीके से जो उसके सुपीरियर ऑफिसर हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये सेक्शन 36 हुआ अब आते हैं सेक्शन 37 पर ये जो पार्ट है सेक्शन 37 से 40 ये बात करेगा एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस के बारे में तो सेक्शन 37 की हेडिंग है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस तो ये सेक्शन कह रहा है कि एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड तो हर एक पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को बाउंड है एवरी पर्सन इज बाउंड बाउंड का मतलब कि इट इज़ नेसेसरी फॉर दैट पर्सन बाउंड का मतलब यहाँ पर लीगली बाउंड एंड कोई चीज अगर लीगली बाउंड होती है उसको परफॉर्म नहीं किया जाता तो वहाँ पर ऑफेंस बन जाता है एंड यहाँ पर भी ऑफेंस बनता है हम आगे डिस्कस करेंगे किस सेक्शन में ऑफेंस है वो अगर कोई एड नहीं करता मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को तो हर एक पर्सन बाउंड है मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए जहाँ पर वो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांड कर रहा है उस पर्सन की एड यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया रीजनेबली डिमांड रीजनेबली डिमांडिंग का मतलब विच इज पॉसिबल इन डैट सर्कमस्टांसिस मतलब जिस पर्सन की एड डिमांड की जा रही है उसके लिए पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को हेल्प करना पॉसिबल हो तब ये माना जाएगा कि जो डिमांड है रीजनेबल डिमांड है तो किन चीजों में जो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर है वो रीजनेबली डिमांड कर सकता है किसी पर्सन की एड ए इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग दी एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन वेन सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट मतलब मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो डिमांड कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो किसी पर्सन को एस्केप करने से रोके किसी पर्सन को भागने से प्रिवेंट करे रोके एंड वहां पर जो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर है वो उस पर्सन को ऑथराइज है अरेस्ट करने के लिए तभी वो जो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर डिमांड कर सकता है किसी पर्सन से कि वो वो जो भाग रहा है पर्सन उसको प्रिवेंट करे उसको रोके मतलब कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दूँ तो कोई चोर है भाग रहा है चोरी करके एंड पुलिस ऑफिसर उसके पीछे है एंड आप वहीं पे खड़े हैं सब कुछ सीन होता देख रहे हैं वो जो चोर है आपके साइड से ही जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर आपको कहता है कि रोको वो चोर है उसने चोरी की है उसको रोकना जरूरी है तो यहाँ पर आपको इस सरकमस्टांस में एड करना पड़ेगा पुलिस ऑफ़िसर को उस चोर को रोकना पड़ेगा पर अगेन वो जो डिमांड है वो रीज़नेबल डिमांड होनी चाहिए इसी सरकमस्टांस में अगर आपको ये दिखे कि जो चोर है उसके पास एक पिस्टल है एंड आप जो है बेहेंड है आप खाली आते हैं आपके पास कुछ नहीं है अब उस चोर के पास पिस्टल है उसके हाथ में पिस्टल है अब आप उसको रोकने जाएंगे तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आप पर अटैक कर दे तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ने डिमांड की है ना ये रीजनेबल डिमांड नहीं है ये चीज़ वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है उस सरकम में अगर आप उसको रोकने जाएंगे आप ही को मार देगा वो चोर जो है नेक्स्ट है यहाँ पर बी पॉइंट इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस मतलब ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिए ब्रीच ऑफ पीस क्या हो सकती है जिससे पीस भंग हो रही है शांति भंग हो रही है जैसे कि कहीं पर रॉयट हो रहे हैं कहीं पर दंगे हो रहे हैं कहीं पर लड़ाई हो रही है इनको रोकने के लिए इनको प्रिवेंट करने के लिए इनको सप्रेस करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट है वो रीजनेबली डिमांड कर सकता है किसी पर्सन की एड सी पॉइंट यहाँ पर कह रहा है इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू तो कमिट टू तो एनी रेलवे कैनाल टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि रेलवे Uh, कैनाल कैनाल मतलब कि नहर हो गई टेलीग्राफ टेलीग्राफ मतलब कि कोई वायरिंग हो गई या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी इन चीज़ों को कोई इंजर कर रहा है कोई तोड़फोड़ कर रहा है इन चीज़ों के साथ तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन की एड के लिए रीजनेबली डिमांड कर सकता है एंड जिसकी एड रीजनेबली डिमांड की गई है वो पर्सन वहाँ पर बाउंड हो जाएगा असिस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट यावर पुलिस ऑफिसर को तो ये सेक्शन थर्टी सेवन है कोई पर्सन को कोई मजिस्ट्रेट यावर पुलिस ऑफिसर अगर एड की डिमांड करता है तो उसको असिस्ट करना पड़ेगा इन सब सरकम में एंड जो डिमांड है वो रीजनेबल होनी चाहिए पॉसिबल होनी चाहिए उस सरकम में ठीक है अगर जो डिमांड है वो रीजनेबल है एंड उसके बाद भी वो पर्सन असिस्ट नहीं करता एड नहीं करता मजिस्ट्रेट यावर पुलिस ऑफिसर को तो यहाँ पर सेक्शन वन एटी सेवन ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर उसको पनिश किया जाएगा ये सेक्शन कह रहा है कि जो भी पर्सन लॉ के द्वारा बाउंड है असिस्टेंस देने के एंड वो पर्सन इंटेंशनली ऑमिट करता है जानबूझकर वो असिस्टेंस नहीं देता तो वहाँ पर वन मंथ तक उसकी इम्प्रेजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है एंड जो फाइन है वो टू हंड्रेड रुपीज़ तक का उस पर लग सकता है एंड इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जो असिस्टेंस है अगर वो डिमांड की गई है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ताकि किसी ऑफेंस को रोका जा सके रॉइट को रोका जा सके एफरे को रोका जा सके एंड वहाँ पर वो जो पर्सन है जिससे एड की डिमांड की गई है रीजनेबल डिमांड की गई है वो अगर असिस्ट नहीं करता तो वहाँ पर उसकी पनिशमेंट सिक्स मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकती है एंड जो फाइन है वो फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक लग सकता है तो ये सेक्शन थर्टी सेवन सी आर पी सी हमने रीड किया सेक्शन वन एटी सेवन ऑफ इंडियन पीनल कोड के साथ यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेक्शन सेक्शन थर्टी एट जिसकी एडिंग है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट फर्स्ट ऑफ ऑल वारंट का क्या मतलब होता है वारंट जनरली सबको पता होगा बट जिसको नहीं पता एक वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है जो कि जज या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाता है कोर्ट में जिससे क्या है किसी पर्सन को परमिशन मिलती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सके या फिर वो सर्च कर सके कोई भी प्लेस को दो तरीके के वारंट होते हैं एक अरेस्ट वारंट एक सर्च वारंट जनरली क्या होता है जो वारंट है वो पुलिस को ही इशू किया जाता है पुलिस ही एग्जीक्यूट करती है वारंट पर कुछ एक सरकमस्टांसिस में किसी और पर्सन को भी डायरेक्ट कर दिया जाता है जो ये वारंट है एंड वही जो है सेक्शन 38 उसी बारे में बात कर रहा है जब किसी और पर्सन को डायरेक्ट कर दिया जाए वारंट इसकी बेरिक्ड लैंग्वेज कह रही है वन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर जब एक वारंट डायरेक्ट किया जाता है एक पर्सन को जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वहाँ पर कोई अदर पर्सन वारंट की एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकता है अगर वो पर्सन जिसको वो जो वारंट है वो डायरेक्ट किया गया है एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट एंड वो एक्ट कर रहा है Osionfish. उस वारंट के एग्जीक्यूशन में किसी पर्सन को मान लीजिए अरेस्ट कर रहे हैं तो एनी अदर पर्सन कोई और पर्सन उस पर्सन की हेल्प कर सकता है वारंट की एग्जीक्यूशन में तो यहाँ पर कोई और पर्सन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में एड कर सकता है यहाँ पर उसकी मर्जी है यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं बताया गया जैसे सेक्शन थर्टी में अगर ऑमिट करता है कोई पर्सन एड करने से असिस्ट करने से सो so सेक्शन 187 एटी सेवन आई में ऑफेंस है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है सेक्शन 38 में कि कोई बाउंड नहीं होता एंड हेल्प नहीं भी की तो कोई भी ऑफेंस नहीं है यहाँ पर फिर सेक्शन थर्टी एट आते हैं सेक्शन सेक्शन थर्टी नाइन इसकी हेडिंग है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस मतलब कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है अगर पब्लिक अवेयर है तो सो तो इसकी बेरक्ट लैंग्वेज कह रही है कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ और इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस तो कोई भी पर्सन अगर वो अवेयर है किसी ऑफेंस के कमीशन के बारे में मतलब किसी पर्सन को पता है कि ऑफेंस हो चुका है या फिर आगे ऑफेंस होगा और ऑफ इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन टू कमिट या फिर उसको पता है कि किसी पर्सन की इंटेंशन है कमिट करने की कोई ऑफेंस जो कि आईपीसी में पनिशेबल है इन सभी सेक्शंस के अंडर जो क्लोज वन से लेकर ट्वेल्व तक जो सेक्शंस uh, बताए गए हैं या पढ़ सकते हैं इनमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है इन सभी सेक्शंस में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उन ऑफेंसेस के बारे में अगर कोई पर्सन अवेयर है कि इन ऑफेंसेस का कमीशन हो चुका है या फिर होगा या फिर किसी पर्सन की इंटेंशन है इनको कमिट करने की यहाँ पे लिख रखा है शेल इन द दबसेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़ तो जो पर्सन जो इस चीज़ के बारे में अवेयर है वो जब तक कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है रीजनेबल एक्सक्यूज है तो अलग बात है अगर रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है तो वो फोर्थ फोर्थविद वो जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन देगा इस चीज़ की नीरस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को ऑफेंस के कमीशन के बारे में या फिर ऑफेंस को कमिट करने के इंटेंशन के बारे में तो ये जो सेक्शंस बताए गए हैं इन सेक्शंस के में जो ऑफेंस दिए गए इनके बारे में अगर किसी पर्सन को पता चलता है तो वो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देगा इस बात की एंड रीजनेबल एक्सक्यूज़ है उसके पास तो वो बाउंड नहीं है इंफॉर्मेशन देने की रीजनेबल एक्सक्यूज़ में क्या आ सकता है मान लीजिए कुछ लोगों ने उसको थ्रेट दे दिया धमकी दे दी कि इसके बारे में अगर तूने किसी को बताया ना तो तेरे को मार देंगे या फिर तेरी फैमिली को मार देंगे तो एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया है, रीजनेबल एक्सक्यूज़ का कि उसके पास एक कारण था एक, एक एक्सक्यूज़ था कि उसने ऑफेंसेस की जो ऑफेंसेस बताए गए इनमें से किसी भी ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी एंड वो जो बर्डन है द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शेल लाइ एन और पर्सनस ऑवेयर एंड वो जो बर्डन uh, है उसको प्रूव करने का कि वो जो एक्सक्यूज़ को प्रूव करने का बर्डन जो है वो जो बर्डन है उसके ऊपर रहेगा उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा ये बात कि मेरे पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ था सेकेंड सब सेक्शन क्या रहा है फॉर द दर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया यहाँ पर जो टर्म ऑफेंस बताया गया है इस सेक्शन में उसमें वो एक्ट भी आएगा जो अगर इंडिया से बाहर कमिट होता है तो वो ऑफेंस होगा अगर वो इंडिया में कमिट होता मतलब कि ये बात कर रहा है अगर किसी ऑफेंस की तैयारी किसी ऑफेंस की कॉन्स्परिसी इंडिया में हो रही है एंड उसको कमिट करना है इंडिया से बाहर मतलब चार लोग इंडिया में मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कनाडा में एक पर्सन है उसका मर्डर करना है तो इस बात की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो वर्ड ऑफेंस है उसमें इंक्लूड होगी एंड इसकी इन्फॉर्मेशन भी वो जो पर्सन अवेयर है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को देगा ठीक है सेक्शन थर्टी देखा हमने और यहाँ पर एक क्वेश्चन कि अगर कोई पर्सन अवेयर है किसी ऑफेंस के कमीशन के बारे में जो भी इन सेक्शंस में ऑफेंसेस बताए गए हैं इन ऑफेंसेस के बारे में कोई पर्सन अगर अवेयर है एंड वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता इन ऑफेंसेस के बारे में उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं है तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ बनेगी देखिए आईपीसी पी सी में सेक्शन वन सेक्शन वन सेवेंटी सिक्स एंड टू जीरो टू टू हंड्रेड टू जो सेक्शन है इन सेक्शन के अंदर उस पर्सन की लाइबिलिटी बन जाएगी इन तीनों सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको ये समझ आएगी सो सेक्शन थर्टी नाइन हुआ आप आते हैं सेक्शन फोर्टी पर uh, जिसकी हेडिंग है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट देखिए ये सेक्शन कह रहा है कि एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन विलेज मतलब हर एक ऑफिसर जो एम्प्लॉयड है विलेज के अफेयर्स के लिए यहाँ पर किन की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है मेंबर ऑफ पंचायत जो कि पंचायत के मेंबर्स होते हैं फिर जो सरपंच होता है उन ऑफिसर्स की बात की जा रही है तो वो ऑफिसर्स एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए विलेज एंड जो भी पर्सन विलेज में रिजाइड करता है जो भी पर्सन उस गाँव में रहता है शेल फॉर्थ विद वो जल्दी से जल्दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन दोनों में से मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है इन दोनों में से जो भी पास है उसको इन्फॉर्मेशन देंगे अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आती है इन चीज़ों से रिलेटेड विच ही में पॉजिट रिस्पेक्टिंग ये जो सिक्स पॉइंट्स बताए गए हैं इनसे रिलेटेड अगर उस पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो जल्दी से जल्दी फोर्थ विद मजिस्ट्रेट या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को वो इंफॉमेसन देंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है एट दी परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी कोई पर्सन अगर नोटोरियस रिसीवर है या फिर वेंडर है स्टोलन प्रॉपर्टी का जो चोरी की गई प्रॉपर्टी होती है उसको कोई रिसीव करता है या फिर उसको कोई सेल करता है नोटोरियस रिसीवर या फिर नोटोरियस वेंडर है वो नोटोरियस का मतलब हु इज़ वेल नोन फॉर समथिंग बैड जो बदनाम व्यक्ति है तो वो चोरी के सामान को या फिर रिसीव करता है या फिर वो बेचता है एंड वो जो पर्सन है वो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी रहता है इन और नियर सच विलेज उस विलेज में या फिर उस विलेज के पास तो ऐसे पर्सन से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो जो पर्सन है आगे मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको देगा नेक्स्ट बी पॉइंट है दिस्टोर टू तो एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू विच सच विलेज ऑफ एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्ट कोई ऐसा प्लेस है मतलब कि कोई ऐसा प्लेस है या फिर कोई ऐसा पैसेज है कोई ऐसा रास्ता है या फिर ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ये रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है ये आशंका है कि ये जो पर्सन है ये थग है रॉबरर है एस्केप्ड कन्विक्ट है या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो इसकी इन्फॉर्मेशन वो पर्सन देगा जो ये पर्सन थग है वो कौन है सेक्शन थ्री वन जीरो थ्री हंड्रेड टेन आई पी सी में डिफाइन किया गया थग को एट प्रेजेंट तो वैसे यूज़ नहीं होता थग जो वर्ड है नेक्स्ट रॉबर जो कि रॉबरी करता है नेक्स्ट इज एस्केप कन्विक्ट एस्केप कन्विक्ट मतलब कि जो जेल से भागा हुआ है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोई एक पर्सन है जिसको ऑफेंडर प्रोक्लेम कर रखा है कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वैसे कौन होता है कोई एक पर्सन है उसके लिए अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है एंड वो जो पर्सन है वो क्या करे भागे उससे एब्सकॉन्ड हो या फिर हाइड हो उस अरेस्ट वारंट से बचने के लिए खुद को अरेस्ट होने से बचाने के लिए वो भाग रहा है छुप रहा है वो पर्सन तो उसको जो कोर्ट है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है तो इन पर्सन की इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है सी पॉइंट कह रहा है कि दी कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट किसी कमीशन के बारे में या फिर इंटेंशन है किसी की कमिट करने के बारे में उस विलेज में या फिर उस विलेज के पास कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है सेक्शन 143 से लेकर 148 तक जो कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करते हैं तो इन ऑफेंसेस की अगर कमीशन हो रही है कमीशन होनी है या फिर इंटेंशन है किसी की ये ऑफेंसेस कमिट करने की तो इनकी इन्फॉमेसन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देनी होती है डी पॉइंट क्या कह रहे थे दी और इन नियर सच विलेज ऑफ़ एनी सडन और अन डेथ कहीं पर सडन या फिर अन डेथ हुई है उस विलेज में या फिर उस विलेज के पास और ऑफ़ एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सरकमस्टांसिस सस्पिशियस क्या होता है जो कि डाउटफुल सरकमस्टांसेज होते हैं कोई सस्पीशियस या फिर डाउटफुल सर्कमस्टांसिस में किसी की डेथ हुई है और द डिस्कवरी इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी कॉप्स और पार्ट ऑफ कॉप्स कॉप्स मतलब कि लाश डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन या फिर उस कॉप्स का कोई पार्ट मिलता है जिससे ये रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा सकता है कि डेथ हुई है डेथ हैज़ अकर्ड और द डिसरेंस फ्रॉम सच विलेज ऑफ एनी पर्सन इन सर्कमस्टांसिस विच लीड टू रीजनेबल सस्पिशन दैट नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन या फिर उस विलेज से कोई पर्सन गुम हो गया भाग गया एंड ऐसे सर्कमस्टांसिस में वो भागा जिससे ये सस्पेक्ट किया जा सकता है रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा सकता है कि वो जो पर्सन है जो डिसअपियर हुआ है उसने कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आगे देनी होती है आगे ई पॉइंट कह रहे हैं दी कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट किसी ऑफेंस की कमीशन के बारे में या फिर किसी ऑफेंस के कमीशन uh, के इंटेंशन के बारे में जो कि इंडिया से बाहर होना है पर अगर वो इंडिया में कमिट होता इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस वो अगर इंडिया में होता तो वो ऑफेंस होता एंड वो इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल होता तो मतलब कोई उस विलेज में कॉन्सपरेसी रची जा रही है कोई प्लान बनाया जा रहा है जो कि इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट होगा एंड वो इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल होता अगर वो इंडिया में किया जाता जो सेक्शंस यहाँ पर बता रखे हैं तो इस कमीशन या फिर इंटेंशन की भी इन्फॉर्मेशन आगे मजिस्ट्रेट को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या फिर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो ऑफिसर है उसको देनी होती है लास्ट में एफ पॉइंट एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट दी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ़ दी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और द सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि ऑर्डर की मेंटेनेंस को अफेक्ट कर रहा है जो ऑर्डर है वो किससे रिलेट करता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से सेफ्टी ऑफ पर्सन से या फिर प्रॉपर्टी से एंड जिसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से सेंक्शन से ये कहा हुआ है डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन ये कहा हुआ है कि इस ऑर्डर की मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आता है तो मुझे डायरेक्ट किया जाए ये खुद कहा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि वो जो ऑर्डर पास किया गया है क्राइम की प्रिवेंशन के लिए सेफ्टी और पर्सन के लिए फिर प्रॉपर्टी के लिए इस ऑर्डर को अगर कोई मैटर अफेक्ट कर रहा है तो ऐसी इन्फॉमेशन मुझे मिलनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह खुद कहा हुआ है तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो जो ऑफिसर है फिर वो जो पर्सन है विलेज में रह रहे हैं आगे कम्युनिकेट करेगा नीरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर वो जो पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो भी ऑफिसर है उसको फिर आगे व डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट कर देंगे लास्ट इसमें कुछ मीनिंग्स रह गए इन द सेक्शन जो विलेज का मतलब है विलेज लैंडस होगा सेकेंड uh, कह रहा है कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है उसमें ये पर्सन भी वो पर्सन भी इंक्लूड होगा जो कि प्रोक्लेम किया गया है ऑफेंडर बाय एनी कोर्ट और बाय एनी अथॉरिटी इंडिया की उस टेरिटरी में जहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्सटेंड नहीं करता तो वहाँ की कोर्ट ने वहां की या फिर वहाँ की अथॉरिटी ने भी जहाँ पर ये कोड एक्सटेंड नहीं करता वहाँ की कोर्ट या फिर वहाँ की अथॉरिटी ने भी अगर किसी पर्सन को प्रोक्लेम किया है ऑफेंडर तो वो भी यहाँ पर प्रोक्लेम ऑफेंडर के अंदर इंक्लूड होगा पर वो जो ऑफेंडर है उसने कुछ ऐसा किया हो विच इफ़ कमिटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड जो अगर वहाँ उस टेरिटरी में किया जाता है जहाँ ये कोड एक्सटेंड होता है तो वो पनिशबल हो जाता है इन सेक्शंस के अंदर जो ये सेक्शंस बताए गए हैं तभी उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर माना जाएगा थर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज इसमें इंक्लूड होते हैं मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ द विलेज जो पंचायत के मेंबर्स हैं या फिर जो हेडमैन है विलेज का वो जो सरपंच होता है और एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज या फिर कोई और पर्सन है जो कि विलेज uh, के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है वो पर्सन इसमें इंक्लूड होगा सेम हमारा यहाँ पर सेक्शन फोर्टी भी कम्प्लीट हुआ एंड इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है सेक्शन 36 सिक्स से लेकर 40 तक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं पहले की चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री पहले ही मैंने अपलोड की हुई है सी की जो प्ले है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और भी डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है आई पी सी एविडेंस सेक्टर टी तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोज पहले ही अपलोड की हुई हैं सो so यही था आज के लिए दैट वॉज इट फॉर टुडे हैव हेवन आइस